पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पे अक्षरा सिंह ने उठाए हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा न्यूज लेकर आई हूँ आपके लिए। पूरा वीडियो देखें और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सिलसिला तब शुरू हुआ जब पवन सिंह का एक गाना आया कि जिससे फंसती है उसी को डसती है, और उसमें पवन सिंह ने इतिहास को लेकर बात कहा कि इतिहास देखिए कि किसके साथ मतलब उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। उसके बाद जवाबी तौर पे अक्षरा सिंह जो गाना लेकर आई उसके बाद से तो पूरी तरह से खलबली मच गई। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्षरा सिंह का गाना आया कि जिसको चाटता है उसी को काटता है, और वहीं पे अक्षरा सिंह ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ एक बात कही कि तुम इतिहास की बात करते हो, इतिहास जब तुम्हारा खुलेगा तब क्या से क्या हो जाएगा तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। आपको बता दो कि जो अक्षरा सिंह जी का गाना है, जो गाना है कि जिसको चाटता है उसी को काटता है, उस गाने को लिखा है मनोज मतलबी जी ने। जी हाँ दोस्तों, वही मनोज मतलबी जी जिसका पवन सिंह के साथ एक समय था जब रिश्ता काफ़ी अच्छा था। पवन सिंह को सुपर स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ था मनोज मतलबी जी का। मनोज मतलबी जी के गाए जितने भी पवन सिंह के सुपर हिट गाने हैं वो भी मनोज मतलबी जी ने ही लिखा था। आखिर उनके साथ में उनका रिश्ता खराब हो गया। आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह के बारे में अक्षरा सिंह कहती है कि मतलब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ गए, तो उनका सबसे पहला इशारा होता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पे। जब ऐसी बातें जब उन्होंने इस गाने में गाया है तो बहुत सारे पवन सिंह के ऐसे फैन हैं जो उनको गालियां भी दे रहे हैं और उनको कमेंट भी करे। एक ने तो यहाँ तक यह लिख दिया कि आप ही की वजह से पवन सिंह की पहली पत्नी ने आत्महत्या किया होगा जिससे आपका रास्ता साफ हो जाए। तो उसी पर अक्षरा सिंह ने जवाब दिया है कि कैसे पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी को भी डिवोर्स दे दिया है, और अक्षरा सिंह कहती हैं कि जाकर पता लगाओ। अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि सच में पवन सिंह और ज्योति सिंह का डिवोर्स हुआ है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से अक्षरा सिंह कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हैं लग तो यही रहा है। लेकिन अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बनारस में पवन सिंह अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इस शूटिंग के दौरान क्या जवाब देते हैं वह अपने और अपनी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर। जैसे ही हमें और भी जानकारी मिलती है हम तक न्यूज़ लेकर आएंगे। तब तक आपसे यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे भोजपुरी के ऐसी ही तमाम न्यूज़ को पाने